हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मोनो ऑडियो के बारे में, जैसे कि मोनो ऑडियो सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा, और आपको इधर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मोनो ऑडियो। तो मोनो ऑडियो को आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि चेंज वॉल्यूम बैलेंस, यानी कि आपने जैसे ईयरबड्स लगा रखा है या फिर लीड्स वगैरह लगा रखी हैं और आप चाहते हैं कि जैसे आपको राइट ईयर में ज़्यादा साउंड आए तो आप राइट में कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि लेफ्ट में ज़्यादा साउंड आए तो लेफ्ट में कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि दोनों बराबर साउंड आए तो बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है, और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है मोनो ऑडियो, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।